जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब महज 10 दिन बचे हैं। उससे पहले आज भाजपा सांसद और सिंगर एक्टर मनोज तिवारी का भगवान राम को समर्पित एक गाना राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे रिलीज हुआ है। ये गाना भगवान राम के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। इस गाने के जरिए मनोज तिवारी ने शीतल पांडे और अमित धूल के साथ मिलकर इस गाने को गाया है। इसके म्यूजिक वीडियो में भी तीनों की उपस्थिति शानदार नजर आ रही है। साथ ही इस गाने के बैकग्राउंड में भगवान राम की छवि इनके भक्ति में गाने में चार चांद लगाने वाली है। मनोज तिवारी, शीतल पांडे और अमित ढुल का भजन राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे ढुल एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति है, जो ढुल एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। इस गाने को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि ये सच है कि हम सभी राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। हमें इस पर गर्व है। हम इस बात से भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि सनातन धर्म और रामचरितमानस की परंपरा से आते हैं। ये हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्ध विरासत है, जिसको अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा कर देने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भगवान राम की महिमा अलौकिक है और उनके आगमन में पूरा देश हर्षित है। ऐसे में हमारा ये गाना सभी राम भक्तों के लिए एक नई उम्मीद है, सबको ये पसंद आएगी। आपको बता दें कि लंबे समय बाद मनोज तिवारी कोई गाना लेकर आ रहे हैं, जिसका उनके फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है। वहीं भगवान श्री राम को लेकर बनने वाला ये अब तक का सबसे अनूठा गाना है, जो तेजी से लोगों के बीच वायरल हो रहा है। गाना राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे को मनोज तिवारी, शीतल पांडे और अमित ढुल ने जहां अपनी आवाज दी है, वहीं इसके गीतकार अमित ढुल है और संगीतकार आर के क्रू है। जीत घनघस द्वारा इस गाने के वीडियो को निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्षरा सिंह का भी एक श्रीराम पर आधारित गाना लेकर आई। उनके गाने का टाइटल राम सबके हैं और गाने और को दर्शकों ने खूब सराहना भी मिली थी। राम मंदिर उद्घाटन से अक्षरा ने ये गीत राम भक्तों को समर्पित किया और उन्होंने इस गाने में भगवान राम के अलौकिक महिमा का बखान अपने संगीत के जरिए किया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।